गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। आपका लेसन फर्स्ट SST में क्वेश्चन नंबर 3, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव और अंसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उसका अनुभव और अंसारी का जो दंपत्ति का जो अनुभव था वो कैसे मिलता है, किस प्रकार मिलता है, ये बताना है हमें कि इन दोनों का जो अनुभव था कैसे मिलता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा तथा अंसारी दंपत्ति दोनों की गरिमा पर समान रूप से चोट की गई थी। मतलब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि था और अंसारी दंपत्ति था, उनकी जो गरिमा थी, उनका जो सम्मान था, उस पर चोट पहुँचाई गई। वे दोनों ही असमान व्यवहार के शिकार बने थे। वे दोनों ही क्या था, असमान व्यवहार किया गया था उनके साथ, दोनों के साथ असमान व्यवहार किया गया था। कैसे किया गया था, देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो जो नीच जाति से थे और अंसारी दंपत्ति वो धर्म के कारण उन पर दोनों पर चोट पहुँचाई गई। पॉइंट नंबर सेकेंड, ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी नीची जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगानी पड़ी थी। हमने लेसन में पढ़ा था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को नीची जाति होने के कारण झाड़ू पूरे स्कूल में झाड़ू लगानी पड़ी थी, जबकि अंसारी दंपत्ति को उनके धर्म के कारण मकान देने से मना कर दिया गया था। और अंसारी जो दंपत्ति है उनको क्या था, धर्म के कारण मकान कोई भी किराए पर नहीं दे रहा था। तो इनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया गया, इनके साथ असमान व्यवहार किया गया। प्रश्न नंबर 4, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं, अपने विचार दीजिए। अब जो कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं, ये तो सारे कहते हैं कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं, अपने विचार लिखने हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट बेटा, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं से तात्पर्य है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं इससे क्या मतलब है, भारत के सभी नागरिकों राष्ट्रपति से लेकर एक सामान्य घरेलू नौकर तक को एक ही जैसे कानून का अनुपालन करना होता है। देखो, भारत में सभी नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं, सामान्य रूप से घरेलू नौकर हैं, उनको एक ही मतलब कानून के जो नियम होते हैं उनका अनुपालन करना ही होता है। जब अगर सभी के लिए, अब एक उदाहरण देती हूँ कि हेलमेट पहनना है तो सभी के लिए इक्वल है, सभी के लिए समान रूप है, किसी को ये नहीं कि ये राष्ट्रपति इसको हेलमेट नहीं पहनना, ये अमीर है इसको हेलमेट नहीं पहनना, हमें हेलमेट सभी को पहनना पड़ता है, ये कानून का नियम है। बी पॉइंट, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म को, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उसके आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते कि इसका जन्म स्थान तो कहीं और का है, ये कहीं और का है, इसका धर्म कुछ और है, ये किसी और जाति का है, इसके साथ हम कानून के लिए सारे समान हैं। पॉइंट नंबर 3, सभी व्यक्तियों को सभी सार्वजनिक जगहों, संपत्तियों जैसे खेलों का मैदान, होटल, दुकान, बाजार, कुआ, सड़क, स्नानघाट आदि के उपयोग का समान अधिकार है। अब कोई भी व्यक्ति है, उस सार्वजनिक स्थल हैं जो सरकारी स्थल हैं, उन सब जो प्राइवेट स्थल हैं उन पर आराम से जा सकते हैं, सभी जगहों, संपत्तियों, खेल का मैदान सभी के लिए खुला हुआ है, सभी वहां आ जा सकते हैं। छुआछूत को प्रतिबंधित कर दिया गया। छुआछूत यानी कि पहले क्या होता था कि किसी बर्तन को छू दिया तो वो उसका पानी नहीं पीते थे, किसी ने अगर उसको छू दिया तो वो नहाते थे, वो समझते थे कि हम अपवित्र हो गए, तो ये चीज़ अब ख़त्म कर दी गई है, यानी छुआछूत को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोकतंत्र को मौलिक सिद्धांत होने के कारण कानून के समक्ष समानता का लोकतंत्र में महत्व है। अब जो लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत है उसमें भी कानून के समक्ष समानता का महत्व है। इसमें आय का उपयुक्त वितरण, विशेष अधिकारियों तथा सामाजिक भेदभाव का अभाव जैसे कुछ दूसरे तत्व सभी शामिल हैं। अब इसमें विशेषाधिकारों को सार्वजनिक सामाजिक भेदभाव पर प्रतिबंधित कर दिया गया है कि कोई समाज में कोई भी किसी तरह से भेदभाव नहीं कर सकता। बेटा, आपको आशा है कि अच्छे से समझ में आया होगा, आपको इसे अपनी नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।